बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अली फ्रॉम चैनल फ्रेंड्स फिजिक्स। स्टूडेंट्स, एंटी टेस्ट सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन से रिलेटेड। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट पे आते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का हम एक कंपैरिजन देखेंगे, और इससे जो क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली मैं अपना लेक्चर उस तरह ओरिएंट करूंगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा डिटेल्स में नहीं जाएंगे हम। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का पहला फ़र्क, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं स्टूडेंट्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स को, और डिस्टेंस कहते हैं टोटल पाथ लेंथ को। फॉर एग्जांपल, आपने अगर साहिवाल से लाहौर जाना है तो जो साहिवाल से लाहौर तक का रोड है स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट कर्व्स डिफरेंट मोड से मुड़ता हुआ जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। तो ये जो टोटल पाथ लेंथ है साहिवाल से लाहौर तक, ये क्या होगा? हमारा डिस्टेंस। लेकिन साहिवाल हमारी इनिशियल पोजिशन है, लाहौर हमारी फाइनल पोजीशन है, तो हम इनिशियल से फाइनल तक एक स्ट्रेट लाइन वेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो ये जो स्ट्रेट लाइन वेक्टर है ये हमें शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बता रहा है बिटवीन साहिवाल एंड लाहौर। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स, डिस्टेंस को मैं अपने वर्किंग में एस से और डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता जाऊंगा डी से, ताकि हम सारी जो इवेल्यूएशन करें उसमें आपको क्लियर है कि जब मैं एस लिखूंगा तो डिस्टेंस है, जब मैं डी लिखूंगा तो डिस्प्लेसमेंट है। स्टूडेंट्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे आए तो डिस्प्लेसमेंट एक अदद वेक्टर क्वांटिटी है। इसके वेक्टर होने से क्या फ़ायदा क्या नुकसान है? हम साहिवाल से लाहौर जाते हैं तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो बनता है अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। लेकिन अगर हम लाहौर से वापस साहिवाल आएंगे तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इट विल बी अलॉन्ग द नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब अगर हमसे पूछा जाएगा जी हमारी फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट चेंज ऑफ पोजिशन को भी कहते हैं। अब हम साहिवाल से ही चले थे और घूम फिर के वापस साहिवाल ही आ गए हैं, तो देर इज़ नो चेंज ऑफ पोजिशन। हम जहाँ से चले थे हम वहीं पर वापस आ गए हैं, तो हमारा जो चेंज ऑफ पोजिशन है स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। इसको और आप यूँ भी कह सकते हैं कि अगर हम दोनों वैक्टर्स को एडअप करें तो एक वैक्टर पॉजिटिव है, एक वेक्टर नेगेटिव है, तो वी विल गेट अ नल वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होने की वजह से इट कैन बी जीरो, बट डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। आप फासला जितना तय करते जाएंगे, चाहे पलट के वापस भी आ जाएं, आपका जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो बिल्कुल जीरो नहीं होगा। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। फिर दोनों मेजर मीटर में होते हैं, अगरचे इनकी नेचर डिफरेंट है, एक वेक्टर एक स्केलर है, बट इनको मेजर करने का जो पैमाना है, जो यूनिट है, वो सेम है। फिर कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें ये कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों फासले बराबर सिर्फ एक कंडीशन में हो सकते हैं, अगर आप मूव करें अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। अदरवाइज, जैसे इस केस में आप देख रहे हैं कि एस जो फैक्टर है डिस्टेंस एक ग्रेटर क्वांटिटी में है और डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टर क्वांटिटी में, तो मोस्टली द डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट। अब इन दोनों कंडीशंस को हम इक्वल करें, इकट्ठा करें, तो एस इक्वल भी हो सकता है, एस ग्रेटर भी हो सकता है। तो एस कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डी, जिसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। और इसको उल्टा देंगे, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, तो द आंसर विल बी लेस देन और इक्वल टू वन। तो ये फर्क ज़हन में रखना है कि डिस्टेंस ऊपर होगा तो ग्रेटर देन वन, डिस्प्लेसमेंट ऊपर होगा तो लेस देन और इक्वल टू वन आ जाएगा। अब कुछ सिंपल एग्जाम्पल से मैं आपको इसका थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में आसानी हो। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस पॉइंट ए से स्टार्ट लेकर, ठीक है, इस पॉइंट बी तक आते हैं इस ट्रैक के जरिए, आपसे पूछा जाए व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, तो टोटल पाथ लेंथ को ऐड कर दें, 2 + 5 = 7 + 2 = 9, तो 9 मीटर आपने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया। लेकिन आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी रही? डिस्प्लेसमेंट के लिए कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन वेक्टर आपने इनिशियल से फाइनल की तरफ ड्रॉ कर देना। तो देखें, ए टू बी ये आपकी डिस्प्लेसमेंट लाइन है, और ये लाइन कितने डिस्टेंस की इक्वल है? जस्ट 5 मीटर्स। सो दैट्स हाउ यू हैव टू रिकॉग्नाइज अबाउट योर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फिर सर्कल केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर एमकैट के क्वेश्चंस में, ये क्वेश्चंस आ भी चुके हैं डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, तो इसके कुछ केसेस हम डिस्कस करते हैं मिसाल के तौर पे। आप स्टूडेंट्स पॉइंट ए से जर्नी स्टार्ट करके वापस पॉइंट ए तक चले जाते हैं, तो देखें यही आपकी इनिशियल पोजिशन और यही आपकी फाइनल पोजिशन। अब क्या चीज़ ज़ीरो होगी? क्योंकि आपने कोई चेंज ऑफ पोजिशन नहीं किया, आप जहाँ पर चले थे वहीं पर घूम फिर के वापस आ गए,
तो आपकी जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट अबाउट योर डिस्टेंस। अब डिस्टेंस, आपने एक सर्कल पूरा कंप्लीट किया है, पूरा सर्कल उसका डिस्टेंस होता है उसका सर्कमफेरेंस जो क्या होता है 2πr, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये इन केस अगर आप a से स्टार्ट लेकर a तक वापस जाएं। इन अनदर केस अगर आप स्टार्ट a से लेते हैं और a से ट्रेवल करते हुए b तक आएंगे, तो देखें a से इस कर्व पाथ तक आना ये आपका डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट क्या कैसे ड्रॉ करना है, स्ट्रेट लाइन वेक्टर फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अब आपका जो डिस्टेंस है s वो क्या होगा, वो होगा हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस इन 2πr की बजाय वो क्या हो जाएगा πr। लेकिन आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, डबल ऑफ द रेडियस, तो दैट वुड बी 2r। क्वेश्चन आया था एम कैट में कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट If you move along a semicircle from point A to B, which is diametrically opposite, अब ये diametrically exactly opposite है point A और B, तो यहाँ पर pi r distance, 2r displacement, तो ये ratio किसके बराबर आनी चाहिए, pi by 2 के। All right students, similarly उससे भी next एक concept के, अगर आपके पास एक particle point A से जिसका radius r है, let's say पॉइंट ए से ट्रेवल करता हुआ पॉइंट बी तक चला जाता है, अब क्या होगा आपका डिस्टेंस और क्या होगी डिस्प्लेसमेंट। अगेन डिस्प्लेसमेंट के लिए ए से बी तक आपने बिला झिझक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी। अब ये स्ट्रेट लाइन अगर यहाँ पे हम परफेक्टली ड्रॉ करें तो हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे एस क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो हिस्सा, ये पूरा शेडेड हिस्सा जो मैं यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ, ये पूरे सर्कल का 1/4 है, ठीक है। यानी ऐसे चार हिस्सों में ये सर्कल डिवाइड हो सकता है, तो जो डिस्टेंस है वो मैंने तय किया है 2πr का चौथा हिस्सा। तो व्हाट इज माय टोटल डिस्टेंस, पाई आर बाय 2। एंड नाउ व्हाट इज माय डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना था स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट है ए से बी तक। अब हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, तो हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दैट वुड बी अंडर रूट 2r। तो अंडर रूट 2r स्टूडेंट्स ये हमारी डिस्प्लेसमेंट है और पाई आर बाय 2 स्टूडेंट्स ये हमारा डिस्टेंस है। ऑल राइट, तो ये तीन केसेस हो गए। फिर इसी तरह लेट्स से आप पॉइंट ए से बी तक ट्रेवल करते हैं 3 meters, ठीक है। फिर आप B से पॉइंट C तक एक डिस्टेंस ट्रेवल करके जाते हैं, एक कर्व ट्रेवल करते हैं जिस कर्व का रेडियस 2 meter है, तो व्हाट इज योर टोटल डिस्टेंस एंड व्हाट इज योर टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस क्या है, 3 meter आपने स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल की है, तो 3 प्लस, अब B से C तक आप एक सेमी सर्कल जा रहे हैं, तो पाई आर, पाई और आर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, तो 2π + 3, इसको आप सॉल्व करके आगे डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की, तो स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट के लिए पूरा रास्ता चूज करने की जरूरत नहीं है, डिस्प्लेसमेंट के लिए आपने सिंपल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है इनिशियल से कहां तक, फाइनल तक। अच्छा, अब आप जरा इमेजिनेशन को यूज करें, तो आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, ये उसका परपेंडिकुलर, ये उसकी बेस और ये उसका हाइपोटेन्यूज। तो डी फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब देखें आधा हिस्सा 2 meter है, तो बाकी भी क्या होगा 2 meter, तो टोटल कितना आ जाएगा 4 square, बेस की वैल्यू कितनी है 3, तो 4 square + 3 square ये 25 हो जाएगा, जिसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 5 meter। तो ये हमारे पास हो गया डिस्टेंस और ये हमारे पास हो गई डिस्प्लेसमेंट। फिर इसी तरह कुछ क्वेश्चन जिसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व हों, कि लेट्स से कोई ऑब्जेक्ट है या कोई शख्स है जो पहले नॉर्थ की तरफ जाता है इतने मीटर्स, फिर ईस्ट, फिर वेस्ट, मतलब ऐसा अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हाउ यू वुड मैनेज इट, बहुत इजी है। आप ये बात याद रखें कि ये नॉर्थ जो है ये प्लस जे यूनिट वेक्टर कैरी करती और जो साउथ है वो माइनस जे यूनिट वेक्टर है, इसी तरह ईस्ट प्लस आई यूनिट वेक्टर है और वेस्ट माइनस आई यूनिट वेक्टर है। अब मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ अ पर्सन वॉक्स 3 meters north, तो आप लिखेंगे 3J. Then he walks
10 मीटर्स ईस्ट, तो आप लिखेंगे प्लस 10 आई। फिर मैं लिखूंगा देन ही वॉक्स 6 मीटर्स साउथ। अब मुझे पता है कि साउथ की तरफ जाना यानी नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ, तो आई विल राइट माइनस 6j एंड देन आई विल राइट के इट मूव्स 6 मीटर्स वेस्ट, तो माइनस 6i इस तरह लिख देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 3j माइनस 6j हो जाएगा माइनस 3j, 10 माइनस 6 4i। अच्छा अब इसको गौर से देखें तो 4i माइनस 3j, स्टूडेंट्स ये किस क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, 4i माइनस 3j, तो x पॉजिटिव है और y जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा, ये होगा स्टूडेंट्स फोर्थ क्वाड्रेंट में। बहरहाल इसके बाद आपने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है, ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो उसी तरह पाइथागोरस थ्योरम 4² + 3² तो आंसर वुड बी 5 मीटर, यानी वो अपने इनिशियल पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर है, 5 मीटर डिस्टेंस पर। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप कवर अप कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को। अब मैं कुछ फैक्ट्स और कुछ फिगर्स बताऊंगा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से रिलेटेड, और फिर इन कॉन्सेप्ट्स का हम बाकायदा इस्तेमाल करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन में। स्टूडेंट्स अब वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पे आते हैं, तो वेलोसिटी और स्पीड इसका वैसा ही रिलेशन है जैसा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का है। जो स्पीड है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट दोनों के सेम है मीटर्स पर सेकंड, और वो एमसीक्यू उसी तरह याद रखना है कि जैसे डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, याद रखें उसी तरह जो स्पीड टू वेलोसिटी है स्टूडेंट्स वो भी आपके पास जो रेशियो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती। अब वेलोसिटी में कुछ पैरामीटर्स हम देखते हैं कि एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। अब मैंने पीछे आपको डिस्प्लेसमेंट के काफी प्रॉब्लम सॉल्व करवाए, आप सिंपल ये याद रखें जो आपकी फाइनल डिस्प्लेसमेंट आती जो भी आंसर आता है वो कितनी देर में तय हुआ, अगर उस टोटल डिस्प्लेसमेंट को आप उस गिवन टाइम पे अगर आपको टाइम गिवन है डिवाइड कर देंगे तो आप कौन सी वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे, एवरेज वेलोसिटी। यानी मिसाल के तौर पे यही जो आपको एक सर्कल वाला केस दिया था कि आपसे कहा जाता है कि पॉइंट ए से पार्टिकल पॉइंट बी तक जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 2r है, उसने ये डिस्टेंस कवर किया है 5 सेकंड्स में, तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी क्या हो रहा है कि स्टूडेंट्स 2r डिवाइडेड बाय 5। ऑलराइट, अच्छा उसके साथ ही एक वेलोसिटी होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, लम्हाती वेलोसिटी, शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं v instantaneous is equal to limit del d approaches del limit del t approaches to zero। यहाँ पे ये फैक्टर लिखना है टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। अब इन दोनों से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है जिसको आगे एक्सप्लेन भी करता हूँ कि द वेलोसिटी विल बी यूनिफॉर्म इफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, एंड वेलोसिटी विल बी नॉन यूनिफॉर्म if average velocity is not equal to instantaneous velocity। For example, ये हमारे पास फर्ज करें distances हैं meters में 1 meter, 2 meter, up to 10 meters। A car is traveling along this road। अब पहले second में वो 1 meter तय करती है, अगले second में फिर 1 meter, अगले second में फिर 1 meter and so on up to 10वें second में students वो जाके 10 meter का फासला तय कर लेती। अब यहाँ पर हम instant को देखें, 1 सेकंड में उसने कितना फासला तय किया, 1 मीटर इन 1 सेकंड। अच्छा टोटल 10 सेकंड में उसने कितना फासला तय किया, 10 मीटर इन 10 सेकंड, जिसको हम सिंप्लीफाई करें तो क्या बनेगा, अगेन 1 मीटर और 1 सेकंड। तो देखें इंस्टेंट भी 1 मीटर पर सेकंड है और एवरेज भी हमारे पास 1 मीटर पर सेकंड है, तो कॉन्सेप्ट इज वेरीफाइड कि इफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेलोसिटी विल बी यूनिफॉर्म, जिसको हम सिंपली क्या डिफाइन करते हैं, If a body covers equal displacements in equal intervals of time, the velocity is said to be uniform. Now in another case, फर्ज करें कि 1 सेकंड में पार्टिकल ने 1 से 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगले 1 सेकंड में उसने 3 to
सेवन, चले सेवन कर लें, यानी 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया एंड सो ऑन। अगला टाइम गुजरा और उसने 10 मीटर जो है वो तय कर ली। अब देखें उसने स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हुआ कि यहां पर वेलोसिटी आ रही है 3 मीटर इन 1 सेकेंड और जब टोटल 10 मीटर कवर हुए तो सिर्फ 1, 2, 3 सेकेंड्स गुजरे हैं, तो ये 10 मीटर कवर हुए हैं 3 सेकेंड्स में, यानी तकरीबन 3.3 मीटर पर सेकेंड बन रहा है। अब इंस्टेंटेनियस बन रहा है 3 मीटर पर सेकेंड, एवरेज बन रहा है 3.3 मीटर पर सेकेंड, दोनों वेलोसिटीज आपस में इक्वल नहीं है, तो द वेलोसिटी विल बी सेट टू बी नॉन यूनिफॉर्म। तो इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स अगेन इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन द वेलोसिटी सेट टू बी नॉन यूनिफॉर्म। फिर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि डिस्टेंस और एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करना हो तो पूछा जाता है कि डिस्टेंस फाइंड करना हो, एवरेज वेलोसिटी गिवन हो। अब एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट्स आपके चैप्टर नंबर 8 में एक ट्रेन से रिलेटेड न्यूमेरिकल है कि एक ट्रेन है वो रेस्ट से स्टार्ट होती है, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल लेट से 17 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी अटेन करती इन टाइम 50 सेकेंड्स। तो बताएं उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। क्वेश्चन है कि अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली। अब वर्ड आता है एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, जिसका मतलब है कि एक्सेलरेशन बताई नहीं हुई, बस इतना गया कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन, यू विल यूज दिस रिलेशन, एस इज इक्वल टू वी एवरेज इनटू टाइम। तो यू विल राइट एस। अब वी एवरेज क्या होगा, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2 और टाइम कितना 50 सेकेंड्स। तो दैट्स हाउ यू कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस व्हेन एवरेज वेलोसिटी इज गिवन। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू स्टूडेंट्स यही हैं, ये रिलेशन पूछे जाते हैं, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म की डेफिनेशन पूछ ली जाती है एंड रिमेंबर द रिलेशन द रेशियो ऑफ स्पीड टू वेलोसिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब कुछ पॉइंट्स मैं आपको एक्सेलरेशन से रिलेटेड बताऊंगा और उसके बाद आप जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा वो होगा इक्वेशंस ऑफ मोशन पे। स्टूडेंट्स थर्ड एंड द लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर वो है एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। याद रखें कब कब आप एक्सेलरेट कर रहे होते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखें स्टूडेंट, जब भी कभी आपकी स्पीड में चलते फिरते गाड़ियों पे सफर में स्पीड में इजाफा हो रहा हो या कमी आ रही हो तो आप एक्सेलरेट या डिसेलरेट कर रहे हैं। अगर आपकी स्पीड बढ़ रही है तो हम इसको कहते हैं एक्सेलरेशन, अगर आपकी स्पीड कम हो रही है तो हम इसको कहते हैं डीसेलरेशन, ठीक है। एंड देन अगर आपकी स्पीड स्टूडेंट्स इस तरह कम हो रही है कि आपने अल्टीमेटली ब्रेक अप्लाई करके अपने आप को रेस्ट पर ले हैं तो इसको कहते हैं रिटार्डेशन। तो एक्सेलरेशन है वेलोसिटी का इंक्रीज होना, डीसेलरेशन है वेलोसिटी का डिक्रीज होना बट जीरो ना होना, और रिटार्डेशन है वेलोसिटी का जीरो कम होते होते अल्टीमेटली जीरो हो जाना। फिर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के जो एंगल्स हैं वो भी मैं आगे डिस्कस करता हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले इसकी जनरल इक्वेशन, डेल वी का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। स्टूडेंट जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो इसी रिलेशन से बिल्ड होती। फिर जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है स्टूडेंट्स उसकी भी सारी कॉन्सेप्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट से ही है कि अगर किसी सिस्टम की एक्सेलरेशन किसी फ्रेम ऑफ एक्सेलरेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक्सेलरेशन जीरो है तो इट वुड बी नेम्ड एज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और अगर किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक्सेलरेशन नॉन जीरो है तो इट वुड बी नेम्ड एज अ नॉन इनर्शियल। मिसाल के तौर पर अब ज़मीन की बात आती, अब ज़मीन पर हमें सारा साल रहते हुए कोई झटका कोई एक्सेल स्पीड अप स्पीड डाउन फील नहीं होता, तो जनरली स्पीकिंग हम ये कहेंगे कि जो ज़मीन है वो एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्योंकि हमें फील क्या होता है कि इसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो है। हाँ ये फ्रेम आप और कब महसूस कर सकते हैं, जब कभी फॉर एग्जांपल आप गाड़ी में कॉन्स्टेंट स्पीड पर जा रहे हैं आपकी स्पीड चेंज नहीं हो रही। अच्छा ज़मीन ही के बारे में एक और कॉन्सेप्ट है कि अगर हम कहें कि स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, गौर करना इस बात पे, मैंने पहले कहा था जनरली स्पीकिंग और अब मैं कह रहा हूँ स्ट्रिक्टली स्पीकिंग। अगर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग पे पूछा जाए ना कि अर्थ कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है
तो स्टूडेंट्स ऐसा है कि सूरज के गिर्द ज़मीन का जो ऑर्बिट है, पहली बात, वो परफेक्ट सर्कल नहीं है। ज़मीन जब सूरज के करीब से गुजरती है तो बहुत स्पीडली गुजरती है। अब स्पीडली मतलब स्पीड इंक्रीज होती, और जैसे जैसे वो सूरज से दूर जाती है उसकी स्पीड कम होती है। लेकिन ये इंक्रीज इन स्पीड और ये डिक्रीज इन स्पीड इतना माइनर है कि हम इसको ज़मीन पर रहते हुए फील नहीं कर सकते। बट डेफिनेशन पर जाएंगे कि जहाँ पर भी स्पीड इंक्रीज या स्पीड डिक्रीज हो वो फ्रेम क्या कहलाएगा, नॉन इनर्शियल। तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग का वर्ड हो तो अर्थ इज अ नॉन इनर्शियल, जनरली स्पीकिंग का हो तो अर्थ इज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फिर जैसे ये एवरेज एक्सेलेरेशन है स्टूडेंट्स, ये इंस्टेंटेनियस की वही इक्वेशन, लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो डेल वी ओवर डेल टी, और फिर वही कॉन्सेप्ट जो वेलोसिटी में दिए कि इफ एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस आर इक्वल द एक्सेलेरेशन इज यूनिफॉर्म लाइक दैट ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन, लाइक दैट कि आप एक ही एक्सेलेरेशन जो है वो फिट करके चल पड़े, मतलब गाड़ी को आप कॉन्स्टेंटली 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलेरेशन से स्पीड अप कर रहे हैं। एवरेज अगर इंस्टेंटेनियस के इक्वल नहीं होगी तो एक्सेलेरेशन विल बी नॉन यूनिफॉर्म। लेट्स से आप एक ढलवानी से रास्ते पर चल रहे हैं तो एक्सेलेरेशन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कॉन्स्टेंट डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग, मतलब एक्सेलेरेशन मुसलसल अपनी वैल्यूज चेंज कर रही हो अगर, तो इसको हम क्या नाम देंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का। तो आप सडनली जब ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो वो नॉन यूनिफॉर्म में होते हैं। हाँ, आप एक कांस्टेंट रेट पे अगर बाइक को स्पीड अप कर रहे हैं तो दैट वुड बी यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। फिर एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलेरेशन, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलेरेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलेरेशन भी होता है। इस क्वांटिटी को जर्क कहते हैं। ये मोस्टली इतना पढ़ाया नहीं जाता बुक्स में, बस आपकी मैं इंफॉर्मेशन के लिए आपको शेयर कर रहा हूँ कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नेम्ड एज जर्क। अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं एंगल्स को बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी।